गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट, यू कैन से कंटिन्यू वर्कशीट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2, बाय व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई 2 to the power -5 सो दैट द प्रोडक्ट मे बी इक्वल टू 2 to the power -5। क्या मतलब उसका कि 2 to the power -5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर क्या आ जाए 2 to the power -1। क्वेश्चन क्या है कि बाय विच नंबर वी हैव टू मल्टीप्लाई 2 to the power -5 सो दैट वी कैन गेट 2 to the power -1। कि 2 to the power -5 को बेटा किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 2 to the power -1 आ गए। तो इस नंबर को हम क्या मानेंगे बेटा, एक्स मानेंगे। क्या मानेंगे? एक्स। तो मान लेते लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज एक्स, लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 to the power -5 को किस नंबर से, उस किस को हमने क्या माना बेटा, एक्स माना। ये वो अननोन नंबर क्या है, एक्स है, ताकि हमारा आंसर क्या आ जाए बेटा 2 to the power -1। अब हम इसमें क्या ट्रिक चलेंगे बेटा कि इस 2 to the power -5 को उधर ले जाएंगे। उधर ले जाने का मतलब जो नंबर बेटा मल्टीप्लाई होता है उधर जाके क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। एक्स क्या हो जाएगा 2 to the power -1, डिवाइड को अपॉन भी ले सकते हैं, जैसे भी आपको दिल करा अपॉन लिखना है तो आपने अपॉन लिख लियो, डिवाइड लिखना तो डिवाइड लिख लो। तो अपॉन 2 to the power -1। और यू भी लिख सकते हैं अगर आप चाहते हैं, एक्स इक्वल टू 2 to the power -1 डिवाइड 2 to the power -1। ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का एक ही मीनिंग है, इसका मीनिंग डिवाइड ही होता है। और जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है बेटा, माइनस। पावर क्या हो जाती है? माइनस। 2 to the power -1 -1। ठीक है, जैसे यहां पर बेस सेम है तो और डिवाइड है तो क्या हो जाती है, पावर माइनस। -1 -1 डिवाइड का लग गया और माइनस। ठीक है, तो अब क्या हो गया बेटा, एक्स इक्वल टू 2 to the power -1। माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस। एक्स क्या आ गया 2 to the power -1 + 5, ऑपोजिट साइन है तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, 2 to the power 4 हो जाएगा, 5 - 1 = 4, और बड़ी टर्म के साथ था साइन। और 2 to the power 4 क्या होता है, 16, 2 + 4 + 8 + 16। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे है, बाय व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई -1.5 to the power -1 सो दैट वी कैन गेट 1.5 to the power -1। कि -1.5 to the power -1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो किस नंबर को हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। सेम वैसे क्वेश्चन आप चले जाते, ताकि हमारे को 1.5 to the power -3 मिल जाए। तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज एक्स मान लेते हैं, लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू एक्स सपोज हम कर लेते हैं। ठीक है, तो यही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन -1.5 to the power -1 इंटू ये एक्स मान लेते हैं, एक्स से मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलता है, 1/5 to the power -3 मिलता है। ठीक है बेटा, अगर इसकी नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना तो हम क्या कर सकते हैं, -1/5 का रेसिप्रोकल कर दो, क्या हो जाएगा -5 मल्टीप्लाई बाय एक्स। ऐसे 1/5 की पावर अगर ये नेगेटिव है तो अगर हम 1/5 का रेसिप्रोकल लें तो 5 की पावर क्या हो जाए बेटा, 3। ये पता ही आपको, ठीक है, 5 to the power क्या हो जाएगी बेटा, 3 हो जाएगा। ठीक है, जब भी हम अंदर का रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर का साइन चेंज। अब -5 को ले जाओ उधर, जब आप -5 को उधर ले जाओगे तो कहां जाएगा, अपॉन में या डिवाइड, समझ लीजिए ये बात लिखी है, 5 to the power 3 upon -5। ठीक है बेटा, 5 to the power 3 का मतलब क्या, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, ये मतलब अपॉन -5। ये 5 से 5 कैंसल, कितना आ गया बेटा, 5 5 = 25 upon -1, और इसको हम लिखते हैं -25। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, जो भी बेटा मल्टीप्लाई हो उधर जाके क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। डिवाइड में ले जाओ या अपॉन में, एक ही बात है। ठीक है, अपॉन और डिवाइड का एक ही मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बाय व्हाट नंबर शुड वी डिवाइड 24 to the power -1 को किस नंबर से डिवाइड करा, डिवाइड आ गया बेटा। पहले क्वेश्चन में क्या था, मल्टीप्लाई,
और यहाँ क्या आ गया डिवाइड 24 टू दी पावर माइनस 1 को किस नंबर से डिवाइड करें कि हमारे पास आंसर क्या है 4 टू दी पावर 1। इसको फिर हम क्या मान लेंगे x, लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज x। तो 24 टू दी पावर माइनस 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को किस नंबर से डिवाइड करें, मान लो x से डिवाइड करें कि हमारा आंसर क्या आ जाए 4 टू दी पावर माइनस 1। क्लियर? Now 24 to the power minus 1 का मतलब बेटा इसका रेसिप्रोकल ले लो 1/24। और अगर आपको याद होगा अगर हम डिवाइड का क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बेटा इस नंबर का क्या हो जाता है उल्टा हो जाता है 1/x। ये बात आपने लोअर क्लास में पढ़ी होगी, अगर हम डिवाइड का क्या कर देते हैं बेटा मल्टीप्लाई तो उस नंबर का भी क्या हो जाता है रेसिप्रोकल। और 4 to the power minus 1 का क्या हो जाएगा 1/4। ठीक है, अभी आ गया हमारे पास 1 बन जा 1/24 इंटू एक्स 24 इंटू एक्स ऐसे ही रहेंगे 1/4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा, ये यहां चला जाएगा और ये यहां 4 बन जा 4 या इसको 24x लिख लो अगर आपको इजी कर रहे हैं 1 बन जा 1 24 इंटू एक्स 24x 1/4। अब आपने लोअर क्लास में पढ़ा है लीनियर इक्वेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं इसको 4 बन जा 4 और 24x का मतलब होता है 24 मल्टीप्लाइड बाय x, ये मतलब होता है 24x का। 24x का मतलब क्या होता है बेटा 24 इंटू एक्स ही होता है। अब हमने तो x की वैल्यू निकालनी तो 24 को उधर ले जाओ, अब 24x से मल्टीप्लाई तो कहां जाएगा अपॉन में या डिवाइड में, एक ही बात हुई, इसको इधर ले आओ तो 4/24 = x। अब कट कर दिए 4 × 4 = 24, ये आ गया आपका x = 1/6। ऐसे कर सकते हो, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ऐसे ही है कि -2/3 to the power 3 को किस नंबर से डिवाइड करें, कि क्वेश्चन 9/4 -2/3 to the power 3 को किस नंबर से डिवाइड करें, ये क्वेश्चन क्या आया बेटा हमारा 9/4 to the power -2। तो किस नंबर को x मान लेंगे, वही लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन -2/3 to the power 3 को किस नंबर से डिवाइड करें कि हमारा जो क्वेश्चन है वो 9/4 to the power -2 आ जाए। सेम वैसे ही बेटा, तो -2/3 to the power 3 डिवाइड को क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1/x हो गया, और इसको उल्टा कर लो बेटा -2 है ना, और इसको कर लो 4/9 to the power 2 कर लो। ठीक है, अब क्या होगा बेटा इसको ले जाओ उधर, ये मल्टीप्लाई में इसके साथ उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 1/x 4/9 to the power 2 डिवाइडेड बाय -2/3 to the power 3। ठीक है, अब 1/x इक्वल टू 4 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 16, 9 का स्क्वायर क्या होगा 81, 4 का स्क्वायर क्या होगा 4 × 4 = 16, 9 का स्क्वायर 81 डिवाइडेड बाय और -2 की पावर 3, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करा 2 × 4 = 8, और माइनस की पावर जब भी 3 हो तो आंसर हमेशा बेटा माइनस में आता है, तो ये क्या हो जाएगा -8/3³, 3 × 9 = 24 हो जाएगा। दोबारा देख लो बेटा 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, 9 को जब 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 16 डिवाइडेड बाय -2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 2 × 4 = 8, और माइनस को जब भी ऑड टाइम मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर हमेशा माइनस आता है, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा 3 को जब 3 बार मल्टीप्लाई करें। अब लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा बेटा इसका 1/x = 16/81 डिवाइड का क्या कर दो बेटा मल्टीप्लाई, और जब डिवाइड का मल्टीप्लाई करते हैं तो उधर क्या हो जाता है रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 27/-8। अब देखो 8 × 8 = 16, 27 = 27, 27 × 27 = 81, 1/x =
हो जाएगा टू अपॉन टू वन जा टू थ्री वन जा थ्री माइनस टू और वन अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस टू अपॉन थ्री, ठीक है, क्या माइनस ये लो। अब बेटा अगर आपने x निकालना तो रेसिप्रोकल ले लो, दोनों तरफ क्या कर दो उल्टा कर दो, यहाँ भी रेसिप्रोकल ले लो यहाँ भी रेसिप्रोकल ले लो, वन बाय एक्स का रेसिप्रोकल क्या हुआ x और टू बाय माइनस थ्री का रेसिप्रोकल क्या हुआ माइनस थ्री बाय टू, ऐसे आप x वैल्यू निकाल सकते हो सिंपल, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आप कर सकते हो और बहुत लंबा हो जाएगा, आप सीधा रेसिप्रोकल ले लो, ऐसा कर सकते हम इधर भी रेसिप्रोकल ले लो उधर भी रेसिप्रोकल ले लो, वन बाय एक्स का रेसिप्रोकल क्या होगा एक्स, वन बाय एक्स फोर्ट एक्स और टू बाय माइनस थ्री का रेसिप्रोकल क्या होगा माइनस थ्री बाय टू, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, थैंक यू।